अच्छा पेड़ पेड़ के नीचे यहाँ सुबह जब हम आते हैं फर्स्टली जहाँ पर ही जो भी सामने वगैरह करते हैं इनकी शिला जो है वहाँ पर इसमें पेड़ में बांधने से मन इच्छा पूरी होती है, लेकिन लोग इसमें बांध जाते हैं। सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज डे टू इन जैसलमेर और हम यहाँ पे अभी रिद्धि सिद्धि रेस्टोरेंट पर आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। कल रात को हम एक्चुअली यहाँ पे डिनर करने के लिए भी आए थे। बहुत अच्छी है, दाल बाटी बहुत मस्त मिल रही थी और इन्होंने राजस्थानी थाली हमने खाई राजस्थानी थाली खाई, मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी, स्पेशली गट्टे की सब्जी और आई थिंक कान सेकरी क्या था वो? कुछ तो था, कुछ था पर ये अच्छा रिद्धि सिद्धि तो यहाँ आके आप लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, रिजनेबल भी है और अच्छी सर्विसेज है और फूड बहुत ही अच्छा है। तो अभी जो प्रोग्राम है हमारा वो है तनोट माता टेम्पल और फिर वहाँ से लौंगे वाला जाएंगे। सफर जान लाने क्या बोलना था, एक चकली पढ़ ले तो आ जाए। ये दोनों मिलके गुजराती की मजाक उड़ा रहे हैं। अरे हम मजाक नहीं उड़ा रहे, तेरे को भी पता है वो सापुतारे में लोग आए थे ना, तूफान मचा रखा था साइड वाले रूम में और एक बंदा ना वो उसका ही कुछ होगा, कोई बंदा ना वो लेने जा रहा था नीचे कुछ, ए ए सफरजन ले तो आ जाए निकी माथे। अभी हम लोग आए तनोट माता के रास्ते में, बीच में ही है और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। देखो यहाँ रोड खाली मिली नहीं कि बैठ गए पैर फैला के। ये मेरा सपना था ये फोटो खिंचवाने का। कौन सा वाला? बैठ के नीचे खिंचवाने का। आशु बैठो उनकी नहीं, मेरे को डर लग रहा है, मुझे कोई साथ में ना लेके चला जाए। अरे नहीं लेके जाएगा, मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। अरे सबको रोक के रखता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हीरोइन आई है, जाने दे उसको, लाल चश्मा पहन के ऐसे खड़ी। अंजलि का नया चश्मा, नया नहीं है मेरा पुराना चश्मा है, ये लाल कलर का दिख रहा है, लाल कलर बूथे पे घुसा दे। सबके बूथे में डाल देना तो जा जाएंगे। अब थोड़ी देर में फोटोज आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बस अब ये प्लग हो गया शेमलेसली, अब मैं भी थोड़ी फोटो खिंचवा लूं, मिलते हैं आपको उतना मजा आता। तनोट माता टेम्पल जैसलमेर के कुछ 130-140 किलोमीटर अवे है जैसलमेर से। तो ये जैसलमेर से कुछ 2-3 घंटे की दूरी पे है, 2 घंटे की दूरी बोल सकते हैं, 130 किलोमीटर के आसपास है और रास्ता जो है बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मस्त है। गाइस टेल मी कि आपको आरती सुन के कैसा लगा? हमें लिटरली गूज बम्प आ गए। बीएसएफ के लोग यहाँ पे आरती करते हैं और बहुत ही सरील एक्सपीरियंस था और वी आर वेरी लकी कि हम लोग वही टाइम पे पहुँचे। एंड नाउ लेट मी टेल यू कि ये मंदिर इतना फेमस क्यों है, तो इसे बोलते हैं तनोट माता टेम्पल और कुछ ये पाकिस्तान के बॉर्डर के पास ही है, जैसलमेर से कुछ 150 किलोमीटर्स दूर है। और यहाँ पे 1965 इंडिया पाकिस्तान की वॉर पे जितने भी बम्स गिरे थे, कुछ 1000 से ज़्यादा बम्स गिरे थे, जितने भी बम्स गिरे थे उसमें से सिंगल बम भी, एक भी बम नहीं फटा था। और यहाँ बोलते हैं माता का आशीर्वाद, इसी वजह से वो उस टाइम पे भी इतनी जान आनी जो हो सकती थी वो बच गई, एक भी बम नहीं फटा। और बम जो मैंने आपको दिखाया वो यहीं पर रखे हुए हैं डेमो के लिए, आप देख सकते हैं वहाँ पर कि कौन कौन सा टाइप के, कैसे टाइप के बम्स थे।
और इसीलिए तब से लेकर अब तक यहाँ पे बीएसएफ के लोग डेली आरती करते हैं और इसीलिए ये मंदिर इतना फेमस है, तनोट माता टेम्पल। तो अगर आप जैसलमेर आ रहे हैं डेफिनेटली डेफिनेटली विजिट करने की जगह है। बड़ा पुराना इतिहास है माँ का। माँ 804 ईस्वी से यहाँ से जो है ना माँ की स्थापना हुई है। 804 तो आज लगभग कितने हो गया, 12,000 साल करीब लगभग हो ही है, 1200 साल हो गया। तो ये जो है पंडित जी ना, इसकी पूरी हिस्ट्री यहाँ की जो है कंठस्थ है। ये कोई राजा ही था यहाँ पे, उसका नाम था तनु, उसके नाम पे ही उसी के नाम से तनु। और तनोट जो है ना धार होती है तलवार की, मतलब तनोट और राय उनका जो है ना गोत, जैसे मेरा गोत भारद्वाज है, जैसे उनका गोत था तो माँ के साथ में जोड़ दिया गया। ठीक है, जब वो इधर से वो युद्ध में लड़ रहे थे तो ये छोटे छोटे रियासतें थी, किले थे छोटे छोटे, नदी मिलते अभी वो उनके ऊपर किसी ने हमला किया ना तो वो उनकी सेना भी परास्त हो गई और वो भागे इस साइड को। अच्छा, सातों देवी के नाचे निशान बने तो पत्थर की किला, लेकिन देवी अलोक वो शिला ये मंदिर के अंदर आपने देखा उसको ये उसको फिर दोबारा जब दिल में आया ना जाके फिर मैं माँ से बात करता नहीं था यहाँ पे, नहीं था। अच्छा, इस जगह पे नजर आई थी हमको इस पेड़ के नीचे, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। अच्छा, पेड़ के नीचे जहाँ सुबह जब हम आते हैं फर्स्टली जहाँ पर ही जो भी सामने वगैरह करते हैं इनकी शिला जो है वहाँ पर, इसमें पेड़ में बांधने से मन इच्छा पूरी थी, लेकिन लोग इसमें बांध जाते हैं। चलो अच्छा, इस पेड़ पे बांधते हैं, एक्चुअली इस पेड़ में बांधना। अच्छा, तो बहुत ऊपर तक बांधा हुआ है लोगों ने, तो जो इधर लोकल लोग जो जानते हैं ना वो तो यहाँ बांध देते हैं, लेकिन जो दूर पार से आते हैं नहीं मालूम होता, वो बेचारे देखो देख मैं यहाँ बांधा, चल मैं इसमें बांध देता हूँ, ऐसे मालूम भी नहीं होता। ऊपर चढ़ के भी बांधा हुआ। हाँ जी हाँ, बड़ी दूर दूर तक बांधे हैं, देखो ना कहाँ कहाँ पहुँचे, पूरे मतलब ये पेड़ पे बांधते हैं। हाँ जी, इसी पेड़ में। लेकिन अभी तो बांधना बना है ना, नहीं नहीं बांधना, इसमें बांधना बना है जगह ही नहीं जो। हाँ, इसमें मतलब ये लोग ऐसे बांध देते हैं, रुमाल ना बांधे तो प्लीज बांधे नहीं उधर बांधना। मेरा नाम अश्विनी अश्विनी, थैंक यू सो मच। तो आई होप आपको ये एक्सक्लूसिव कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा हो। अश्विनी कुमार जी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अच्छी इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमको, मंदिर में वापस अंदर लेके गए। जो शिला जो पीछे आपको दिखाई हमने दो, उस पर मार्किंग्स है, क्या उसका मीनिंग है, क्या हिस्ट्री है, वो सब बताया। सो थैंक यू सो मच। टेल मी कि कितना अच्छा लगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट। आई डोंट थिंक सो काफ़ी सारे वीडियोज़ में या फिर कोई भी वीडियो में इतना अच्छा और इतना डिटेल में आपको कंटेंट देखने को मिला होगा ये मंदिर के बारे में। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, इसीलिए हम ये एक वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अब जा रहे हैं हम लोग लॉन्गे वाला, जो यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर है, और वहाँ पे एक म्यूजियम है जहाँ पे पाकिस्तान की टैंक्स और वो सब रखे गए। तो वो नया वीडियो आएगा, अलग से वीडियो आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो लॉन्गे वाला वीडियो लाए हो तब उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय।